नमस्कार, मैं हूं स्वाति और बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। गर्मियों के मौसम को बीमारियों का मौसम भी कहा जा सकता है और इन बीमारियों का शिकार कोई भी एज ग्रुप का इंसान हो सकता है। इन बीमारियों में से कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है। लू लगना भी एक ऐसी ही गंभीर समस्या है। आज हम बात करेंगे लू के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर गर्ग। डॉक्टर गर्ग, वेलकम टू द स्टूडियो। डॉक्टर गर्ग, सबसे पहले हमें ये बताएं कि यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसकी पहचान कैसे हो सकती है? ऐसा है स्वाति जी, अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो वो सिर दर्द की शिकायत करता है, उस सिर में दर्द बताता है, बुखार लगता है, अंदर से बुखार लगता है, थर्मामीटर में देखते हैं तो टेम्परेचर उसको रहता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसको उससे घबराहट लगती है, बेचैनी लगती है, वो इधर से उधर घूमता रहता है खाली, उसको लगता है कि वो थोड़ा सा रेस्ट करे, उसे आलस्य से उसको आ जाता है। और अगर उसने कुछ भी नहीं खाया है या उसे कुछ खाया नहीं जा रहा है तो उसको उल्टी सी आने को लगती है, अंदर से पेट में जलन वगैरह बताता है, पेट में दर्द बता सकता है, दस्त भी हो सकता है उसको, दस्त में भी हरा नीला रंग का कैसा भी दस्त आ सकता है। तो वो उससे हमें ये पता चल सकता है कि ये व्यक्ति को आज ही शुरुआत हुई है लू लगने की या उसको कल परसों से थोड़ा थोड़ा है, तो वो उसकी शिकायतों के उसको देखकर हम कह सकते हैं कि इसको लू लग गई है। डॉक्टर मेधा, लू क्या एक फेटल बीमारी है जिसकी वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है? हाँ, बन सकती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लू लगने में बुखार तो है ही, अगर हम उसको भी नहीं कंट्रोल करेंगे तो तेज बुखार चढ़ने से दिमाग पे असर पड़ सकता है और शरीर में पानी की कमी से जैसे उल्टी दस्त है, पानी की कमी भी है, उल्टी दस्त भी हो रहा है उसको साथ में, और हम उसको दवाई कुछ नहीं दे रहे हैं या वो कुछ मुंह से नहीं ले रहा है, ड्रिप वगैरह उसको नहीं लगा पा रहे हैं, कहीं उसको हम एडमिट नहीं करा पाए हैं, तो वो उसकी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। डॉक्टर गर्ग, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ जिस पर आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीट स्ट्रोक और लू लगने में क्या अंतर है? स्ट्रोक में क्या होता है कि व्यक्ति बेहोश हो सकता है तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, और लू लगना एक ऐसी चीज है कि उसको धीरे धीरे शरीर में कुछ कमी लगेगी, उसको बेचैनी लगेगी, वो डॉक्टर के पास जाएगा, घर में इलाज करेगा, तो वो हो सकता है 4-5 दिन में ठीक हो जाए, और हीट स्ट्रोक के लिए फिर खुद अस्पताल ही जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लू से बचने के उपाय क्या है? लू से बचने के लिए पहले तो व्यक्ति दोपहर में घर से निकलना कम से कम रखे, निकलना ही पड़ता है तो घर से पानी पीकर निकले, और साथ में निकलते समय पानी की बोतल हो अपनी, छाता अपना हो, और सूती वस्त्र पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने जो उसको कंफर्टेबल हैं, शरीर को ढककर निकले, पूरी बाजू के कपड़े पहने, या हो सकता है उसको सिर में भी कुछ तकलीफ होती है, सिर में दर्द, जैसे कोई लोग बताते हैं कि धूप में निकलते ही सिर में दर्द होता है, तो सिर में हैट या कैप वगैरह कुछ अपना लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल घर में एसी होना तो एक आम बात हो गई है, तो अक्सर लोग घर में एसी की हवा खाकर एकदम बाहर गर्मी में निकलते हैं, तो क्या ये भी लू लगने की एक वजह है? एसी के टेम्परेचर में और बिल्कुल बाहर तेज धूप के टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि एसी वाले कमरे में से बाहर निकल के थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर वाले रूम में बैठे हो, उसके बाद ही बाहर निकले। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो आपने बताया उपाय, यदि किसी को लू लग जाती है उसके बाद लू का असर कितने दिन तक रहता है? अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है, अगर उसका सही से ध्यान रखा जाए, खाना पीना उसको ठीक से दिया जाए, उसको जरूरत पे दवाई दी जाए, तो 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। और उसमें हम क्या करते हैं कि जब व्यक्ति आता है तो अगर उसको तेज बुखार है तो उस बुखार में हम उसको बुखार की दवाई दे सकते हैं, तेज बुखार में तेज बुखार की, और हल्का सा है तो उस हिसाब से थोड़ा हल्की दवाई दे सकते हैं। वैद्यनाथ का एक अम्ल पित्तांतक योग आता है, उस योग को हम सेवन करा सकते हैं उनको, तो उससे बुखार भी कम होता है और पेट भी ठीक रहता है। साथ में उल्टी अगर उसको लग रही है तो उल्टी के लिए हम उसको अपनी औषधि सेवन कराते हैं, उसमें हम क्या देते हैं मरीज को, अविपत्ती का चूर्ण 1 ग्राम, आंवला चूर्ण 1 ग्राम, श्वेत क्षार 250 मिलीग्राम, और मयूरचंद्रिका भस्म जो कि उल्टी में बहुत फायदा करती है, 2 रत्ती की मात्रा में मिला के एक पुड़िया बनाकर सुबह शाम इस तरह से उसको ठंडे दूध के साथ या ठंडे पानी के साथ सेवन करा सकते हैं। अगर उसको दस्त भी हो रहा है तो दस्त के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक तो मुंह से उसको बार बार कुछ खाने के लिए ज़रूर देते रहें ताकि शरीर में कमी ना हो पाए, तो उसके लिए भी हम औषधि जब देते हैं तो उसमें गंगाधर चूर्ण 1 ग्राम, बिल्वादी चूर्ण 1 ग्राम, कुटर चूर्ण 500 मिलीग्राम, संजीवनी वटी 1 गोली और लवण भास्कर चूर्ण 500 मिलीग्राम मिलाकर एक मात्रा बना लेते हैं, और इस तरह की मात्रा उसको दिन में 2 से 3 बार तक दे सकते हैं। इस पुड़िया को जो हम देते हैं दही के साथ सेवन करने से बहुत फायदा होता है, और इसमें बराबर का भुना हुआ जीरा मिला लें
जैसे 3 ग्राम की पुड़िया आपकी बनी है तो उसमें 3 ही ग्राम आप भुना हुआ जीरा मिला लें तो उससे उससे बहुत जल्दी फायदा होता है। उसको 2 खुराक या 3 खुराक में ही वह ठीक होने लगता है। लू लगी है किसी व्यक्ति को, वह डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा, चिकित्सक के पास, तो वह घर में बुखार में पानी की पट्टी अपने माथे पर रख सकता है, पैरों में मालिश करें ठंडे पानी की, या ठंडा कपड़ा उसको पैरों में लगा रख सकते हैं उसके, उससे बुखार उतरता है। और उल्टी की जहाँ तक बात है तो उसको हम 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच पुदीने का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और उसको 2 चम्मच शहद में मिला के उसको थोड़ी थोड़ी देर में दे सकते हैं, तो इससे उसकी उल्टी में उसको फायदा होगा। और जब दस्त की बात है तो दही में हम इसबगोल की भूसी, जो कि आमतौर पर घरों में मिल जाता है, उसको हम सुबह शाम उसको दे सकते हैं। और खाने पीने का समय ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने में हम उसको हल्का सुपाच्य हो, उसमें मूंग की दाल की खिचड़ी आप दे सकते हैं, फल और सलाद मौसम के जो है वो आप उन्हें दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ भी खाने के लिए देते रहें ताकि उसको कमजोरी ना आए। डॉक्टर गर्ग, क्या सिर्फ घरेलू उपाय काफी हैं या ऐसे में डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? वह रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर माइल हल्की सी तबीयत खराब है तो हो सकता है 1-2 दिन में घर में उपचार करने से ही वह ठीक हो जाता है, पर ज्यादा स्थिति खराब हो जाए, शरीर में पानी की ज्यादा ही कमी हो जाती है, या उसकी उल्टियां दवाई लेने के घरेलू उपचार के बाद भी बंद नहीं हो रही हैं, या दस्त उसके बंद नहीं हो रहे हैं, तो चिकित्सक की परामर्श जरूर लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए गर्मी हो चाहे सर्दी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बाहर खेलने चले ही जाते हैं, तो क्या उपाय हैं जिससे बच्चों को लू के प्रकोप से बचाया जा सकता है? इसमें एक तो हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों के शौक क्या है, क्योंकि बच्चा बाहर भागता है, बाहर खेलेगा तो उसे लू लगने की शिकायत हो सकती है, तो उस केस में उनको इंडोर गेम्स दें, उनको घर में ही कैरम वगैरह खेलें, सांप सीढ़ी लूडो वो सब खेलें, और अगर फिर भी बच्चा नहीं मान रहा है, बाहर जाना ही है उसको, तो कम से कम 12 से 4 का टाइम उसको अवॉइड करें, उसको उस चीज में मतलब वो टाइम उसका घर में या तो टीवी में, कार्टून में, कंप्यूटर पे, इनमें उसको डाइवर्ट करें। डॉक्टर साहब, ये तो थे हमारे सवाल, अब लेते हैं दर्शकों के पत्र। डॉक्टर साहब, ये पहला पत्र है गुड़गांव के सौरभ गुप्ता का। इनका प्रश्न है कि समर शुरू होते ही मुझे प्यास अधिक लगने लगती है, जिसकी वजह से भूख कम लगती है और शरीर में कमजोरी आ जाती है, कृपया उचित सलाह दें कि किस तरह से ये कमजोरी दूर हो सकती है। देखिए सौरभ जी, ये बात सबके साथ होती है कि गर्मियों में भूख कम हो जाती है, पानी पीने की इच्छा ज्यादा होती है, क्योंकि गर्मी की वजह से शरीर में पसीना आने से पानी की कमी वैसे ही हो जाती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब भी आपको भूख लगती है तो थोड़ा 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 टाइम से खाते रहिए, ये नहीं कि भूख नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दिया, अपना जैसे आपने समय बांधा हुआ है खाने का, उस टाइम पे जो इच्छा हो वो थोड़ा बहुत जरूर खाइए। और जहाँ आप कह रहे हैं कि आपको प्यास ज्यादा लगती है तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है, उसमें बहुत सारे पेय ऐसे आते हैं गर्मियों में, शीतल पेय आप ले सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आपको वीकनेस आ जाती है, कमजोरी लगती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि फ्रूट्स थोड़ा सा डाइट में बढ़ा लीजिए, क्योंकि क्या होता है शर्करा 2 प्रकार की होती है, एक फल शर्करा होती है, जो फल शर्करा होती है वो शरीर में जल्दी डाइजेस्ट होती है, जल्दी एब्जॉर्ब होती है और जल्दी उससे एनर्जी आपको मिलती है, और जो ग्लूकोज शर्करा, ये जो रोटी खाने से शर्करा मिलती है आपको, उसमें जो है कम से कम 8 घंटे का समय आपको एनर्जी देने में लगता है। खाने में हल्का खाना बार बार खाते रहिए, 2 बार 3 बार जब आपको भूख लगे, पर इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू डॉक्टर गर्ग, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, पर हमारे पास समय का अभाव है, इस कारण से हम अपनी ये चर्चा आगे के एपिसोड में जारी रखेंगे।